मुंबई जो कभी रुकती नहीं। इस मुंबई को कभी ना रुकने देने वालों में शामिल है ऑटो टैक्सी, लेकिन आज यही ऑटो टैक्सी वाले धीरे धीरे थमने लगे हैं। जी हाँ, इस लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़ दी है। कभी बैंक के लोन ने तो कभी सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने तो कभी लॉकडाउन ने उनको तोड़ दिया है। बैंक की गुंडागर्दी से तो कब नए ट्रैफिक नियमों के तकनीकों के बीच उलझकर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए परेशान है। ऐसे में इनकी उम्मीद जागी है राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा से। उनको उम्मीद है कि इन सभी समस्याओं से उनको उभारेंगे और उनको नई सुविधा उपलब्ध करा के देंगे। विजय शर्मा ने भी ऑटो टैक्सी वालों की समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए 2 सितंबर को आजाद मैदान रुख करने का आह्वान सरकार को दे दिया है कि 2 लाख तक की कर्ज माफी हो ऑटो टैक्सी वालों की। उनका दावा है कि बड़ी तादाद में ऑटो टैक्सी वाले अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे ताकि ऑटो टैक्सी वाले अपने और अपने परिवार का भविष्य अंधकार से निकाल सके। आपको बता दें कि ऑटो टैक्सी वालों की व्यथा सुनकर हर कोई उनके बारे में जानकर रो पड़ा। जहां विजय शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि वो ऑटो टैक्सी वालों को न्याय दिलाए बिना चैन की सांस नहीं लेंगे। पब्लिक की सेवा कर रहा है। हम लोगों ने आज सब लोगों को अच्छे अच्छे लोगों को शेर बना दिया, मगर आज हम भिखारी के भिखारी। जब वो यूनियन वाले ने हमारी मदद की, फिर हम वो यूनियन को क्यों रखे? क्या मतलब है सिर्फ हम लोगों का नाम लेकर पैसा खाने के लिए? इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, और मेरे भाई लोग एक प्लेटफॉर्म के नीचे आओ, एक झंडे के नीचे आओ, अपना हक बनवाओ। हमारे बीच में ये क्या हमारी अपनी गाड़ियाँ होते हुए भी हम 2 पैसे कमा नहीं करते, सबसे बड़ी समस्या। आज 2 साल हो गया लॉकडाउन को होके, लॉकडाउन में गाड़ियाँ ही नहीं चली, सारी दुनिया बंद थी, तो हम लोग गाड़ियाँ कहाँ से चलाते? जब गाड़ियाँ नहीं चलाई तो लाइन में लोग कहाँ से करेंगे? पर हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज हमारे लिए विजय शर्मा जी उपस्थित है और उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा है। प्रेशर आ जाता है, हम रिक्शा भी नहीं चला पाते, इनके रिकवरी वाले बाहर घूमते हैं, रिकवरी वाले पकड़ते हैं तो 500-1000 रुपये की मांग भी करते हैं कि हम लोग ऐसी छोड़ देंगे गाड़ी। बहुत गुंडा राज चल रहा है अभी बैंकों का भी, तो हमारे विजय सर हमारा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे कांधे से कांधा मिला के चलिए। गवर्नमेंट टैक्सीमैन्स के लिए टैक्सीमैन्स कॉलोनी भी बना के तैयार कर चुकी है, आज वो बरसों से वहाँ रह रहे, तो फिर रिक्शामैन्स यूनियंस के लिए कहाँ है? उनको घर की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे बैंक के लोन का। गवर्नमेंट तो आदेश निकाल दी कि भाई कोरोना है, कोविड है, आप लोगों को गाड़ियाँ नहीं चलानी। कुछ दिन बाद गवर्नमेंट बोलती है बस में फुल कैपेसिटी के साथ में लोग प्रवास कर सकते हैं, तो फिर रिक्शे में 2 ही क्यों? हम जब 3 बिठाते हैं बड़े मुद्दत के बाद, आधा पौना घंटे की लाइन लगाने के बाद कोई भाड़ा आता है, पैसेंजर आता है, अब उनकी भी मजबूरी है कि भाई एक बीमार है और 2 उनके साथ में जाना है हॉस्पिटल, तो वो 3 हुए। लेकिन आगे जाने के बाद हम बड़ी किचकिच के बाद बोलते नहीं, वो लोग समझते नहीं, बोले बीमार है ले जाना। हम लेके जाते तो आगे पुलिस वाला खड़ा है, वो बोलता कुछ नहीं, आज पहले की तरह रुकाता नहीं है, फोटो लेता है। भाड़ा होगा 50 रुपये का, जाएगा हमारा 200 रुपया कम से कम। अब ये जो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों के ऊपर आफत आई हुई है, इसके लिए भी आवाज़ उठानी है। 53 ईयर्स हो मैं हो चुका हूँ, मैंने आज तक रिक्शा ही चलाया है, लेकिन इसमें मैंने आज तक कुछ तरक्की नहीं की। तरक्की नहीं करने की वजह मेरे सामने आई है बैंक का लोन, गाड़ी का मेंटेनेंस, घर का देखना, बच्चों की पढ़ाई, जो कभी हम रिक्शे वाले लोग हैं ना, इसको है ना पूरा नहीं कर पाए आज तक। अगर आप लोगों में इतनी मेहनत करने के बाद में अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को कुछ बनाया है तो मुझे बता दीजिए आप लोग कि हाँ मेरी औलाद को मैंने इस मुकाम पे पहुंचाया। दिन रात हम लोग कम से कम सुबह 7 बजे ऑटो निकालते हैं और 7 से नहीं तो 9-10 बजे हम लोग अपना ऑटो को बंद करते हैं। मात्र क्या लेके आते हैं? 800 रुपया गैस भरा के, 800 रुपया, 700 रुपया बहुत अधिक हो गया, मेहनत और चालाक ड्राइवर है तो 1000 रुपया।
देखिए ऐसा है कि ऑटो रिक्शा वालों की उपेक्षा बहुत दिनों से मैं देख रहा था हो रही थी। विगत लगभग एक महीने से सारे ऑटो टैक्सी वाले बेचारे आकर के हमारे ऑफिस में अपनी समस्याएं बता रहे थे। सबसे बड़ी समस्या है कि बैंक इनको लगातार प्रताड़ित कर रही है और जो अधिकतर बैंकें हैं इनके फैमिली को प्रेशराइज करती हैं, इनको मानसिक तौर से शोषित करती हैं और ज़बरदस्ती इनके गाड़ियों को उठा करके ले जाती हैं, जो असंवेदनशील विषय है। ये इसकी एक सभ्य समाज निंदा करता है कि 18 महीने से लॉकडाउन देश में चल रहा है, यहाँ महाराष्ट्र में लगातार लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में जब काम नहीं हुआ है तो ये ऑटो टैक्सी वाले बेचारे कहाँ से लोन देंगे, क्या करेंगे? जब इनका धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है तो ये बेचारे उसके आगे घुटने टेक चुके हैं। देखिए ऐसा है, हमारी सीधे गवर्नमेंट से मांग है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, कि मुंबई के जितने भी ऑटो टैक्सी वाले भाई हैं जिनका लोन चल रहा है उनको 2 लाख तक उनका लोन माफ़ किया जाए, कर्ज माफ़ किया जाए। ये हमने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी को पत्र द्वारा सूचित किया है लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए हमने घोषणा किया है कि 2 तारीख को हम अपने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के स्वाभिमान के लिए, समूचे महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, समूचे महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, क्योंकि अस्मिता की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये अब सच्ची महाराष्ट्र की अस्मिता है कि गरीब परेशान है, नहीं तो ये बेचारे लगभग 10 लाख ऑटो रिक्शा वाले बेरोजगार हो जाएंगे और इनका परिवार रोड में आ जाएगा। इसलिए अब ये लड़ाई मेरे लिए मेरी अपनी भी ईगो की प्रॉब्लम हो गई है। सरकार अगर 2 तारीख को नहीं मानती है तो ये आंदोलन और भी भीषण होगा, सरकार को मानना ही पड़ेगा। 2 लाख रुपए ऑटो टैक्सी वालों का माफ़ करना ही है क्योंकि देखिए आज़ादी से लेकर अब तक, आज़ादी पहले संसाधन नहीं थे हमारे देश में, पहले इतनी सारी ट्रेनें नहीं थी, पहले इतनी सारी बसें नहीं थी, तो ये ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने मुंबई में जनता की सेवा किया। आज ये लोग जब बेचारे खुद प्रॉब्लम में हैं और देखिए विभिन्न पार्टियों की संस्थाएं हैं जो वाहनतुक सेनाएं हैं, उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आज इसका भी मुझे जवाब उनसे चाहिए कि यही वाहनतुक सेनाएं इनसे गुंडा टैक्स लेती हैं, इनसे हमेशा चंदा लेती हैं, जब आज इन ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को उनकी ज़रूरत थी तो वो क्यों एक प्लेटफॉर्म में नहीं आ रहे? मैं तो सभी पार्टियों से आह्वान करता हूँ कि इन ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के लिए सबको बात करनी चाहिए और सबको एक मैदान में आना चाहिए। तो ये मेरी एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है इन गरीबों के लिए जो मैं लड़ूंगा। मैं सारे ऑटो टैक्सी वालों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जितने ऑटो टैक्सी वालों के भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए मैंने कमर कस लिया है कि ये लड़ाई संवैधानिक है और संविधान के दायरे में है। ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, ये संविधान, देखिए हमारे देश में ह्यूमन राइट्स है, हमारे देश के संविधान ने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं। 18 महीना से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी जो है शोषण हो रहा है, उनको भी क्रेश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मौलिक अधिकारों की भी लड़ाई है, ऑटो वालों के साथ में मौलिक अधिकारों की लड़ाई है और आगे चल के इसको और तेज करेंगे। ये ऐसा है, इस भारत देश की मैं अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पर परेशानियों की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो हमारे नेता हैं छल और कपट का व्यवहार करते हैं, तो कितने आ जाएंगे मैं संख्या नहीं बताता हूँ, लेकिन जितने आएंगे वो अपने हित की लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूर आ जाएंगे, वो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, खुद आ जाएंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन है ये हम किसी को किसी प्रकार की अशांति फैलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है और सारे जो भी कोविड पॉलिसियाँ हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वो हम सारा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी आपने देखा है कि हमने उसको पालन किया और आगे चल के करते रहेंगे और पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए ये शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने ऑटो टैक्सी वालों भाइयों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और 2 लाख रुपए जब तक सरकार माफ नहीं करती है इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जिंदाबाद।